महाभारत की कहानी में एक रोचक प्रसंग है जब पांडव और कौरवों के बीच जुए का खेल हुआ। दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को हराने की साजिश रची। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई जुए में अपनी संपत्ति राज्य भाई और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। हारने के बाद द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया गया लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी लाज बचाई और चीर को अनंत कर दिया। यह घटना पांडवों के लिए अपमानजनक थी और अंत महाभारत के युद्ध का कारण बनी। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जो ये वीडियो क्लिप आपने अभी देखा है, ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो मेरा इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से एक बार देखिए। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा बढ़िया से देख लेते हो तो दोस्तों आपके नए चैनल पर आप महाभारत का पूरा सीरियल वीडियो बना करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको वीडियो का स्क्रिप्ट कहाँ से लेना है, वीडियो जो एडिट करके बनाया हुआ है वो इमेज आपको कहाँ से लेना है, वो आपको कैसे मिलेगा, आपको वीडियो एडिट कैसे करना है, आपको वॉइस ओवर कैसे करना है, स्क्रिप्ट आपको दे करके AI वॉइस आपको कैसे जनरेट करना है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप महाभारत के 1000 से ज्यादा एपिसोड बनाओगे तो भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको इमेज की कोई कमी नहीं होगी, सारे फोटो आपको मिल जाएंगे, आप एडिट करके सारे एपिसोड बना सकते हो और अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत का एनिमेशन कार्टून वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर ओपन करके सर्च करेंगे ChatGPT। दोस्तों, ChatGPT लिख करके आप सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस होगा। ये वाला वेबसाइट आपको जो दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, OpenAI, इस पे क्लिक कर देना है। ChatGPT ओपन करने के बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। फर्स्ट बार आप ओपन कर रहे हैं तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए आप गूगल या फेसबुक या Gmail ID से लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद में ऐसा कुछ दिखेगा, आप नीचे मैसेज ChatGPT का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके जो भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो नीचे यहाँ लिख करके सेंड करेंगे तो आपको ChatGPT पूरा डिटेल से रिप्लाई में लिख करके देगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, महाभारत की एक रोचक छोटी सी स्टोरी। यहाँ पे दोस्तों लिख करके मैंने सेंड किया है तो नीचे पूरा कहानी जो स्टोरी है जो यहाँ पे लिख करके दे दिया है मेरे को हिंदी में। मैं यहाँ पे नीचे इन इंग्लिश लिख करके सेंड करता हूँ तो ये जो कहानी है जो इंग्लिश में लिख करके देगा। आप भी अपनी भाषा में लिखवा सकते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज है। दोस्तों, ये जो स्टोरी लिखा है ये आपके वीडियो का स्क्रिप्ट होने वाला है तो इसको आपको यहाँ से कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करके रख लेना है। मैं दोस्तों इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और मैं मेरा नोट पैड में इसको सेव कर लेता हूँ। सबके फोन में नोट पैड होता है, उस पर प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट करके राइट पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देना है। फिर से हम ChatGPT ओपन करेंगे। जो भी आपका स्क्रिप्ट है, जो भी आपका कहानी है, आपने जो ChatGPT से लिखवाया है, उस स्क्रिप्ट का वीडियो बनाने के लिए हमको इमेज जनरेट करना पड़ेगा। इमेज जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, दोस्तों आपको यहाँ पे कहानी सेव करने के बाद में आपको फिर से ChatGPT ओपन करना है और आपका कहानी जहाँ पे लिखा हुआ है उस कहानी के नीचे आप लिख करके सेंड करेंगे, इस कहानी का प्रॉम्प्ट लिखिए। यहाँ पर बीच में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इस कहानी का प्रॉम्प्ट लिखिए, ये लिख करके आपको सेंड करना है। तो दोस्तों, नीचे देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में जो है लिख दिया है, तो हमको इंग्लिश में चाहिए तो आपको यहाँ पे इन इंग्लिश लिख करके फिर से सेंड करना है। यहाँ पे इंग्लिश में आपको प्रॉम्प्ट जो है मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आपको प्रॉम्प्ट दिए हैं उसको आपको फिर से यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ सारे प्रॉम्प्ट ChatGPT से, आपको कॉपी करके नोट पैड में आपको पेस्ट करके रख लेना है सेव करके। दोस्तों, हम फिर क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे IdeoGram AI। IdeoGram AI लिख करके हम सर्च करेंगे, ये वेबसाइट हमारे सामने सबसे ऊपर ओपन होगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, IdeoGram AI से हमारे कहानी का इमेज जो है हम जनरेट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे दोस्तों कॉर्नर में ऊपर 3 डॉट दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप साइड का नीचे ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जो टिक मार्क लगा हुआ है तो आपको यहाँ से हटा देना है। ऐसा करने पर मोबाइल में जो है समझने में आसानी होगी तो नीचे आपको प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो आपने कहानी का प्रॉम्प्ट, जो आपका स्क्रिप्ट है उसका प्रॉम्प्ट जो है सेव करके रखा हुआ है उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, नोटपैड में आपने जहाँ पे सेव किया वहाँ पे आपको इस तरह कुछ दिखेगा, तो आपको यहाँ से एक प्रॉम्प्ट आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे मेरे को इस कहानी के लिए 6 प्रॉम्प्ट यहाँ पे टोटल दिए हैं, तो पहला वाला प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और क्रोम ब्राउजर में जो हमने AI ओपन करके रखा है, क्रोम ब्राउजर यहाँ से ओपन करेंगे। मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, प्रॉम्प्ट जो है यहाँ पे पेस्ट होने के बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फोटो, इस पे क्लिक करेंगे। फोटो पे टिक करने के बाद में नीचे आपके फोटो आपके इमेज का रेशियो यहाँ पे दिखेगा, इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप शॉर्ट्स
बना रहे हैं तो 916 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो 69 यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 69 पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ ऊपर आपको जनरेट का ऑप्शन दिखेगा, जनरेट पे क्लिक कर देना है। आपको थोड़ा वेट कर लेना है, यहाँ पे इमेज बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा फोटो जो इमेज है बन करके रेडी हो गया, तो एक प्रॉम्प्ट के लिए हमको 4 इमेज मिलेगा। मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो दोस्तों, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इतना हाई क्वालिटी इमेज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस पर आपको क्लिक करके रखना है, और यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इमेज डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 इमेज ऐसे करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों जो ये प्रॉम्प्ट आपने दिया है इसको यहाँ से हम कट करेंगे, और सेकंड वाला प्रॉम्प्ट है हम फिर से मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला प्रॉम्प्ट का जो है इमेज बना लिया, तो हमारा सेकेंड वाला प्रॉम्प्ट जो है छोटा है 2 लाइन का, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर से आइडियोग्राम AI हम ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारा सेकंड वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और ऊपर जनरेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर से आपको 4 इमेज मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो इमेज बन रहा था, और जितने भी प्रॉम्प्ट आपको ChatGPT ने बना करके दिया वो सारे प्रॉम्प्ट आप ऐसे करके आपको इमेज बना लेना है। हमारा का काम है जो आपको एडिटिंग ऐप में करना है, जो भी आप एडिटिंग ऐप यूज करते हो, मैं यहाँ पे आपको KineMaster में एडिट करके दिखाऊंगा वीडियो कैसे एडिट करना है, वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो का वॉइस कहाँ से लेना है, सब कुछ मैं आपको एडिटिंग ऐप में जा करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे KineMaster ऐप ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों KineMaster ओपन करने के बाद में आपको क्रिएट नाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जिस रेशियो में आपने इमेज बनाया है 916:16:9 जो भी रेशियो 1:1 आपने जिस रेशियो में इमेज बनाया है वो रेशियो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैंने 16:9 रेशियो में इमेज बनाया, तो यहाँ पे मैं 16:9 पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे क्रिएट पे क्लिक कर देता। आपको मीडिया का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, अपने जो इमेज डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मेरा डाउनलोड फाइल में यहाँ पे इमेज दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो भी आपने इमेज डाउनलोड किए हैं सारे एक बार यहाँ पे ले लेना है, जो भी हमको यूज नहीं आएगा तो फिर से हम उसको डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। दोस्तों नीचे आपको रील दिख रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज 4 सेकेंड का एक इमेज का रहेगा, तो आप इसको 5-10 सेकेंड 15 सेकेंड भी कर सकते हैं। आप कितनी देर तक इस इमेज के बारे में बोल रहे हैं वॉइस ओवर जब करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो भी इमेज है वॉइस ओवर करने के बाद में हटा देना है। स्टार्ट में जो आपने क्लिप देखा था उसके अंदर आपको कुछ इफेक्ट दिख रहा था, वो भी मैं आपको लगाने के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 2 इमेज के बीच में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट है जो डाउनलोड किया हुए हैं। आपको डाउनलोड नहीं किया तो आप यहाँ पे शॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिखेंगे, यहाँ पे आपको जो भी फ्री में है वो डाउनलोड आपको कर लेना है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे डाउनलोड करके रखे हैं, तो यहाँ पे मैं जो क्लिप में ऐड करके दिखाया वो मैं आपको ऐड करके एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इमेज चेंज होने के टाइम में ऐसा कुछ इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ऐसा करके आप सारे इमेज के बीच में जो भी आपको पसंद आता है वो ट्रांजिशन जो है यहाँ पे ऐड कर देंगे। दोस्तों आपका वीडियो यहाँ पे रेडी होने के बाद में आप यहाँ पे ऑडियो ऐड करेंगे, ऑडियो में आप अपना खुद का वॉइस ओवर करेंगे तो ही बेटर रहेगा, नहीं तो आपका चैनल मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम आएगा। तो आप कोई भी AI वॉइस यूज नहीं करके आप अपना वॉइस यूज करेंगे, ऐसे करना है मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आपने अपना वीडियो का जो स्क्रिप्ट बनाया था, वीडियो का स्टोरी जो आपने ChatGPT से लिख करके रखा हुआ है, उसको वहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ पे दोस्तों नोट पैड में जो भी स्क्रिप्ट है आप आधा कॉपी कर लेना है कि आपको पढ़ने में थोड़ा ईजी होगा। तो यहाँ पे मैं इसको आधा स्क्रिप्ट को यहाँ पे कॉपी कर, और यहाँ KineMaster में आपको एक लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और जो स्क्रिप्ट आपने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसको काट करके सबको लाइन में बढ़िया से सजा देना है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा, पूरा लंबा लाइन होगा तो उसको सही से पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा करने के बाद में आपको ऐसे ओके कर देना है। यहाँ पे आपको एक कलर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके जो भी कलर आपको पढ़ने में आसानी होगा वो कलर आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे नीचे टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस लाइन को पकड़ करके पूरा वीडियो जो है वहां तक आप लेके जाएंगे। अब आप इसको बैक करके रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करते ही आपका वॉइस है जो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करके आपने जो भी स्क्रिप्ट कॉपी करके आपके सामने रखा हुआ है इसको आपको पढ़ लेना है, और एक एक वाक्य पढ़ करके आपको थोड़ा आराम करके फिर से पढ़ लेना है ताकि वॉइस क्लियर और बढ़िया होगा। मैं आपको पढ़ के एक बार दिखा देता हूँ। महाभारत की एक रोचक और छोटी कहानी है, गुरु दक्षिणा की कथा। जब गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, ऐसे करके आप यहाँ पे स्टॉप करेंगे। दोस्तों ऐसा करके आप अपना वॉइस ओवर करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके जो भी एक्स्ट्रा वॉइस है आप उसको बीच में से कट कर देंगे, जहाँ पे भी आप रुक करके बोल रहे हैं। कट करने के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग का जो रील है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आपको ट्रिम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बीच में कट हो जाएगा। और नेक्स्ट जहाँ पे भी आपको खाली जगह दिख रही है या आप उसको वो सुन करके आप एक बार देख लेना,
फिर यहाँ पे ट्रिम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट का जो पार्ट है वो आपका यहाँ से गायब हट जाएगा, और इसको आपको पढ़ करके इसके एकदम जस्ट पास में सटा देना है। तो दोस्तों ऐसा करके आप अपना पूरा जो है आप अपना वीडियो में वॉइस ओवर कर लेना है, और आपने जो स्क्रिप्ट जहाँ स्क्रीन पे लाए है इस पर क्लिक करके इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और आपका वीडियो बढ़िया से बन करके रेडी हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना फोन का गैलरी में यहाँ पे सेव कर लेना है। जो भी हाई रेजुलेशन आपका फोन सपोर्ट करना है वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेव एज वीडियो पे क्लिक करके आप इस वीडियो को अपना फोन में सेव करेंगे। दोस्तों ये मेरा वीडियो देख करके आपका वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।